हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग ये लास्ट पॉइंट करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे। लास्ट पॉइंट क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको जूल हीटिंग इफेक्ट भी हम बोलते हैं, आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। क्या है कि जब भी इसके अनुसार क्या होता है, जब भी आप लोग भी जानते हैं कि जब भी क्या होगा, कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा तो कंडक्टर क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्या होता है? गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें जब भी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है? एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा जब कोई भी करंट है ना। अब करंट दो तरह का हो सकता है, क्या हो सकता है, करंट कॉन्स्टेंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वेरिएबल करंट भी हो सकता है। तो व्हेन एवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर देन हाउ मच हीट इज बीइंग जनरेटेड बिकॉज ऑफ दैट कंडक्टर। ये किसने बताया था? जूल ने बताया था इसको। इसलिए जूल ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये देखा कि जब भी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है या किसी भी रेजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा तो उसमें क्या होता है, हीट जनरेट होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, अभी आई जो है वो कॉन्स्टेंट मान लिया है कि इसमें कॉन्स्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। एक क्या है, रेजिस्टर है और एक क्या है, कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर दिया हुआ है। तो यहाँ क्या है, एक रेजिस्टर दिया हुआ है जिसमें करंट कितना, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। ठीक है, आई मीन टी इज द टाइम फॉर विच द करंट इज बीइंग, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द क्या होगा, रेजिस्टर्स। तो जूल ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने बताया कि व्हेन एवर कॉन्स्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू क्या होगा, एनी कंडक्टर, देन हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर या रेसिस्टर। आर क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर्स। और टी क्या है, टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग इन द रेसिस्टर्स, है ना। आई मीन क्या होगा कि यहां से जूल हम बता सकते हैं कि क्या होगा, अकॉर्डिंग टू जूल हीट जनरेटेड इन द या हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, कि कितना करंट रेजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है, उसका रेसिस्टेंस क्या है और कितने टाइम के लिए क्या है, फ्लो हो रहा है। तो यदि हम क्या करें, यहां हम लिख सकते, हम देख सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू जूल हीटिंग, अकॉर्डिंग टू जूल हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर और रेसिस्टर इज, फर्स्ट में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फॉर गिवन रेसिस्टेंस और फॉर गिवन टाइम। आप क्या करोगे, जितना ज्यादा क्या करोगे, करंट फ्लो कराओगे रेजिस्टेंस के थ्रू या कंडक्टर के थ्रू, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसमें हीट जनरेट होगा। तो हम लिख सकते हैं, दैट इज, यहां क्या लिख सकते हैं, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई, आई स्क्वायर। एट, यहां हमने क्या मान लिया कि एट गिवन क्या होगा, गिवन टी एंड क्या होगा, आर। उसी तरह बी में क्या बोल सकते हैं, कि फॉर क्या बोल सकते हैं, फॉर हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर और कंडक्टर इज क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेसिस्टेंस आर। आई मीन एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर। फॉर क्या होगा, फॉर गिवन क्या होगा, गिवन आई एंड क्या होगा, टी। आई मीन यदि आई मीन करंट और टाइम को हम कॉन्स्टेंट कर दें तो जितना ज्यादा रेजिस्टर का रेसिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसमें हीट प्रोड्यूस्ड होगा। क्या होगा, उतना ही ज्यादा जो होगा वो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस्ड होगा। सी में हम बोल सकते हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, दैट इज क्या होगा, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टी फॉर गिवन आर एंड क्या होगा, आई।
तो ये जूल ने बताया था एक्सपेरिमेंट करके h इक्वल टू क्या होगा आई स्क्वायर आर टी, क्या होगा h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्या होगा h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई मीन हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्या होगा आई स्क्वायर आर टी। अब यदि क्या होगा इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर क्या होगा टाइम के साथ वैरी कर रहा होगा, तामी वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो दूसरा हम क्या लिखेंगे, व्हेन, क्या होगा व्हेन, सेकंड क्या होगा, अब इसमें लिखेंगे कि व्हेन, नोट में लिख लेंगे इसको, नोट में कि व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज नॉट कॉन्स्टेंट, not constant, that is vary with क्या होगा with time, then heat produced in conductor is given as, क्या होगा गिवन एच, देखो एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी, क्या होगा इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी, क्या होगा इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल आपको बताता हूं, है ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जब भी क्या होगा, देखो यहां भी करंट कॉन्स्टेंट हो जाए रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो इसको बाहर ले लेंगे और ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट तभी होगा जब करंट क्या होता है कांस्टेंट होता है, यदि करंट वेरिएबल होगा तो ये रिजल्ट आप यूज करोगे तो रॉन्ग आ जाएगा। हम क्या करेंगे ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, क्या है अब इंटीग्रेट कहां से कर दिया रहेगा कि इतने से इतने टाइम तक करंट क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है, तो हम यहाँ करंट का लोअर टाइम का लोअर लिमिट और यहाँ टाइम का अपर लिमिट लिखेंगे, और फिर आपको कितना हीट किसी भी रजिस्टर में जनरेट हो रहा है वो आसानी से क्या होगा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो आप, है ना, क्या होगा करंट फ्लोइंग, देखो यहां एग्जांपल देखो, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज शोन इन द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज शोन इन द फिगर बिलो, देखो क्या है ऐसे करंट दिया हुआ, यहां क्या आई है ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ, ठीक है 0.5, आप ऐसे बोल सकते हैं, यहां क्या है ऐसे बोल सकते हैं करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ऐसे भी लिख सकते हैं करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर वर्सेस टाइम ग्राफ, ऐसे लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, है ना, कि कंडक्टर फ्लोइंग इन द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर बिलो, ठीक है समझ में आया ना। फाइंड क्या है, देन फाइंड हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टर, क्या है देन फाइंड हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टर, देन फाइंड हीट जनरेटेड इन द। अब देखो यहां क्या है करंट क्या है कॉन्स्टेंट नहीं है, तो पहले आप क्या करेंगे करंट का हम इक्वेशन लिख सकते हैं, पहले तो आपको क्या होना चाहिए कि करंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो तो आपको लिखना पड़ेगा, तभी तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अब आपको मालूम है कि देखो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े हैं कि ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट क्या हुआ वाई नट, और इसको हम क्या बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, तो ये क्या हुआ टी नट। तो हम लिख सकते हैं ऐसे
अब इसका नाम दे देता हूं, है ना, ए बी इक्वेशन ऑफ क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, देखो सॉल्यूशन में मैं लिख देता हूं पहले इक्वेशन। यहां और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द टाइम, फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन गिवन। तो चार्ज मैंने आपको बताया था कि द करंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, देन द एरिया अंडर द कर्व विल गिव द करंट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यही होगा ना, एरिया अंडर द कर्व। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, लाइन ए बी क्या हो जाएगा, देखो तो आई अपॉन क्या होगा आई नट प्लस टी अपॉन टी नट इज इक्वल टू क्या होगा वन, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा वन माइनस टी अपॉन टी नट इंटू आई नट, ये कितना हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नट माइनस आई नट बाई टी नट इंटू टी। अब देखो आराम से क्या मालूम चल गया आपको, करंट का इक्वेशन मालूम चल गया, शायद यही होगा, है ना, हाँ यही होगा, ठीक है सही लिखा ना, देखो इसको आई अपॉन आई नट, आई मीन इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ले जाओगे तो वन माइनस, यही क्या हो गया आपका इक्वेशन हो गया। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं कि देखो तो करंट कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है, जीरो टू टी नट टाइम तक, कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है जीरो टू टी नट टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है, तो हम इंटीग्रेट, अब हम क्या लिखेंगे हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर, तब हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू क्या होगा जीरो टू टी नट आई स्क्वायर आर डी टी, और यहाँ आर कॉमन ले लो, आई का वैल्यू मालूम है देखो, या आई नट भी कॉमन ले सकते हो तुम डायरेक्ट, इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं वन माइनस टी अपॉन टी नट द होल स्क्वायर क्या होगा डी टी जीरो टू क्या होगा, यही होगा ना आंसर। अरे इसको मैंने क्या किया देखो, इसको डायरेक्ट आई का वैल्यू वहां रखोगे तो आई नट कॉन्स्टेंट है, तो इसको हमने बाहर ले लिया, ये आई स्क्वायर आर देखो ये क्या है पावर एट टी इक्वल टू जीरो, यही होगा ना। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, पावर फॉर्मूला लिख करके और कोएफिशिएंट ऑफ टी से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो देखो इसका इंटीग्रेशन जो होगा डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ आर आई नट स्क्वायर, या आप क्या करो ओपन कर दो ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस टी अपॉन टी नट के पावर क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3, और कोएफिशिएंट ऑफ टी से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो क्या करेंगे यहां लिखेंगे माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा टी नट, और 0 टू क्या लिखेंगे देखो तो 0 टू हाँ एक क्या है 3 0 टू टी नट। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा देखो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आर आई नट स्क्वायर टी नट माइनस बाई क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब आप वैल्यू रख दो यार, तो अपर वाला क्या हो जाएगा देखो अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, तो यहाँ देखो तो टी नट रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 माइनस क्या लिख सकते हैं 1, देखो तो ये यहाँ ये 0 रखोगे तो ये 0 क्या हो जाएगा 1 1 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा देखो ध्यान से एच इज इक्वल टू क्या होगा आई नट स्क्वायर आर टी नट वाई कितना हो जाएगा 3, यही क्या हुआ हीट जनरेटेड इन द क्या होगा रेसिस्टर। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हमेशा याद रखना कि यदि वेरिएबल करंट दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे पहले करंट का इक्वेशन लिखते हैं और इस फॉर्मूला में रख करके हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको आसानी से क्या होगा आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर आर, ठीक है, इन टाइम टी नट, क्या हुआ इन टाइम टी नट। इसके बाद हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि अब यहाँ हीटिंग एलिमेंट तो मैंने ये बताया है, अभी तो हमने ये देखा, अब हम क्या करेंगे बल्ब, जो मोर इम्पॉर्टेंट है कि बल्ब जो है उसमें जो बल्ब को यदि हम सीरीज में कनेक्ट कर दें पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, किसमें किसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, कौन फ्यूज हो सकता है, उसको हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो आपको मालूम है, आपको मैंने बताया भी था कि पावर इक्वल टू क्या होता है, हाँ यहां से ये भी पूछा जा सकता है, सुनो ध्यान से कि टेम्परेचर कैसे आप कैलकुलेट करोगे राइजिंग टेम्परेचर, तो आप जानते हैं एज यू नो दैट कि क्या होगा क्यू इक्वल टू क्या होता है एम एस डेल्टा टी, क्या होता है यदि मैं लिख दूं यहां नोट में लिख लेना, कभी कभी इसकी जरूरत भी होती है कि इफ इफ क्या होगा एम इक्वल टू क्या होगा मास
of conducting wire, conducting wire. S क्या है? Specific heat, specific heat. ठीक है. और मान लो कि हीट फ्लो होने से, हीट प्रोड्यूस होने से टेम्परेचर कितना राइज किया? डेल्टा टी. डेल्टा टी इज द क्या होगा? राइज इन टेम्परेचर. तो हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एम एस डेल्टा टी. और डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एच अपॉन क्या लिख सकते हैं? एम एस. एच इक्वल टू क्या है? देखो आई स्क्वायर आर टी इंटू क्या है? डेल्टा टी अपॉन क्या हो जाएगा? एमएस. तो हमने ये क्या लिख दिया यार, है ना? एच हमने कुछ गलत लिख दिया क्या? डेल्टा टी इक्वल टू एच अपॉन क्या होगा? एमएस. सॉरी ये नहीं होगा. तो ये क्या हो गया तुम्हारा? राइज इन टेम्परेचर व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ? राइज इन टेम्परेचर. ठीक है. आई क्या है? करंट. आर क्या है? रेजिस्टेंस. टी क्या है? टाइम. एम क्या है? मास. एस क्या है? स्पेसिफिक हीट. तो आप ये हम हीट ट्रांसफर में पढ़े थे, आई मीन हीट चैप्टर में पढ़े थे हम लोग. ठीक है कि जब भी क्या होगा, किसी भी कंडक्टर के थ्रू क्या होगा, हीट फ्लो होगा, तो उसमें क्या उसके टेम्परेचर बढ़ता है, या किसी मटेरियल के थ्रू यदि हम हीट को दें, उससे उसको हीट करें, तो उसका कोई भी मटेरियल है उसको यदि हम हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? राइज करेगा. और वो राइज इन टेम्परेचर जो होता है वो क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल एज वेल एज मास एंड ऑल्सो फेज पे भी डिपेंड करता है, लेकिन उतना हम नहीं पढ़ेंगे. ये फॉर्मूला केवल क्या करना है? माइंड में रखना है. ठीक है. अब हम क्या यहाँ लिखते हैं, देखो बल्ब के बारे में हम पढ़ेंगे कुछ चीज़ें. इलेक्ट्रिक बल्ब. देखो सिंबल क्या होगा? सिंबल ऐसे ही होगा, यही क्या होगा? इलेक्ट्रिक बल्ब. ठीक है. इसका यही क्या है? सिंबल है. जब भी होगा इसका कुछ क्या होगा? रेसिस्टेंस होगा. तो इसका रेसिस्टेंस जो हम मान लेते हैं आरबी, आई मीन रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब. ठीक है. तो ये आर है, ये सिंबल हो गया किसका? रेसिस्टेंस. अब यहाँ दो चीजें, जब भी आप क्या करोगे बल्ब, जब भी इससे क्या होगा करंट फ्लो कराओगे, तो क्या होगा कि आपसे पूछा जाए कि ब्राइटनेस क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा. ब्राइटनेस आई मीन हो सकता है कि कभी क्या बल्ब जो है वो डिम ग्लो होगा, हो सकता है कभी क्या होगा डिम जो होगा वो ब्राइट क्या होगा, ब्राइट ग्लो होगा. तो किस चीज पे डिपेंड करता है? तो आपको तो पहले ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो ब्राइटनेस है, सिंपल याद रखना है क्या है कि ब्राइटनेस, यदि मैं लिखूं कि पीडी पावर डिसिपेशन, पीडी क्या होता है देखो, तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा? एच अपॉन क्या होगा? टी. यही होगा ना. और एच अपॉन टी क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर क्या लिखेंगे? आर बी. यदि इसके थ्रू क्या है करंट आई फ्लो हो रहा है. ठीक है. दिस इज, इसको आप लिख सकते हो पावर डिसिपेशन. तो एक चीज आपको याद रखना है यहाँ कि ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर डिसिपेशन इन द बल्ब. क्या होगा? तो यहां लिख सकते हैं, ये याद रखना है कि ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? पावर डिसिपेशन. क्या होगा? पावर डिसिपेशन. समझ में आया ना? क्या होगा? किसी भी ब्राइटनेस का ग्रेटर द पावर डिसिपेशन इन द बल्ब, मोर ब्राइटर इट विल ग्लो एंड वाइस वर्सा. जितना ही ज्यादा उसमें पावर डिसिपेशन होगा उतना ही जो उसका ब्राइटनेस होगा क्या होगा? ज्यादा होगा. ये ध्यान देना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको माइंड में रखना है कि क्या होगा, मोर द क्या होगा, ग्रेटर द पावर डिसिपेशन इन द बल्ब मोर ब्राइटर इट विल ग्लो एंड वाइस वर्सा. तो हम लिख सकते हैं कि ग्रेटर क्या होगा? ग्रेटर द पावर डिसिपेशन, डिसिपेशन मोर ब्राइटर इट विल ग्लो एंड वाइस वर्सा. एंड क्या होगा? एंड वाइस वर्सा.
ये ध्यान देना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, रेटिंग होता है या प्री डिटर्मिंड वैल्यू होता है कि नहीं, कोई भी बल्ब है यदि उसका उसमें पावर यदि इतना डिसिपेट होगा मैक्सिमम, तो उसको क्या कर सकता है, और उससे डैमेज नहीं हो सकता। उससे थोड़ा भी पावर डिसिपेशन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रेटिंग। तो बेसिकली क्या होता है, रेटिंग ऑफ द बल्ब, दो तरह के रेटिंग होते हैं, रेटिंग ऑफ द क्या होगा, बल्ब, इलेक्ट्रिकल बल्ब या बल्ब सिंपल। दो जनरली करंट रेटिंग नहीं होता है, ये आप मुझे सोच करके बताना कि रेटिंग ऑफ द क्या होगा, बल्ब। एक रेटिंग क्या होता है, वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, और दूसरा क्या होगा, पावर रेटिंग, ठीक है। वोल्टेज रेटिंग का क्या होगा कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट बल्ब कैन विथ स्टैंड विदाउट गेटिंग डैमेज इज कॉल्ड वोल्टेज रेटिंग। आई मीन क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो बल्ब कितना कितना क्या विथ स्टैंड कर सकता है विदाउट गेटिंग डैमेज। आई मीन क्या होगा, देखो जब भी आप क्या करोगे, पावर स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो हर जब आप बल्ब कभी भी मार्केट में खरीदने जाते हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो उसका रेटिंग दिया रहता है कि नहीं, पावर रेटिंग इतना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बल्ब है या वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन उतना बियर कर सकता है, यदि उससे ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफाइड वैल्यू भी बोलते हैं, प्री डिटर्मिंड वैल्यू भी बोलते हैं, और रेटिंग भी बोलते हैं। समझ में आया ना। तो जनरली क्या होता है, बल्ब का जो रेटिंग होता है वो दो ही रेटिंग होता है, करंट रेटिंग, सॉरी वोल्टेज रेटिंग एंड पावर रेटिंग, करंट रेटिंग नहीं होता है। ये आपके लिए होमवर्क है कि ऐसा क्यों, करंट रेटिंग क्यों नहीं दिया जाता है, ठीक है। तब हम आते हैं कि क्या होगा, वोल्टेज रेटिंग का मतलब क्या होगा, इसके बारे में हम थोड़ा समझ जाएं कि वोल्टेज रेटिंग क्या होगा, कि दिया होगा कि क्या होगा, कि द मैक्सिमम क्या होगा, द मैक्सिमम, पहले यहां लिख देते हैं वोल्टेज, वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट इलेक्ट्रिक बल्ब कैन विथस्टैंड, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट इलेक्ट्रिक बल्ब दैट बल्ब कैन विथ स्टैंड विदाउट गेटिंग डैमेज इज कॉल्ड वोल्टेज रेटिंग। क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड वोल्टेज रेटिंग। इसी को क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेटिंग। तो फॉर सेफ ऑपरेट क्या होगा, फॉर सेफ, यहां लिख सकते हैं फॉर क्या होगा, फॉर सेफ ऑपरेशन या फॉर सेफ वर्किंग अब क्या होगा, बल्ब। पावर रेटिंग को यदि हम पी से डिनोट करें, देखो पी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर डिसिपेशन मस्ट भी क्या होना चाहिए, पीडी जो होना चाहिए, सॉरी पावर नहीं है, वोल्टेज रेटिंग है ना। तो वोल्टेज रेटिंग को यदि हम वी से डिनोट करें तो ये क्या हो जाएगा, वी से यदि हम डिनोट करें तो क्या होगा, वी आर, यदि मैं वोल्टेज रेटिंग को वी आर से डिनोट करें तो ये क्या हो जाएगा, इसकी क्रॉस जो फॉर सेफ ऑपरेशन क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो होना चाहिए वो रेटिंग से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फॉर्स आई मीन वोल्टेज रेटिंग, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर और बल्ब इज इक्वल लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, वोल्टेज रेटिंग। दिस इज नथिंग बट द वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। आई मीन यहाँ क्या है, हमने वी भी माना है, यहाँ वी भी मान लो,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या होना चाहिए? बल्ब। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब जो होना चाहिए ऑलवेज क्या होना चाहिए? वोल्टेज रेटिंग से क्या होना चाहिए? फोर्स। जैसे ही क्या होगा कि वोल्टेज रेटिंग इससे क्या हो जाएगा, आई मीन पोटेंशियल ड्रॉप वोल्टेज रेटिंग से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में बल्ब जो होगा वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इफ, यहां मैं लिख देता हूं ये चीज आपको चेक करने के लिए कि इफ क्या लिखेंगे, इफ नोट में लिख देता हूं नोट में कि क्या होगा, इफ वी बी इज ग्रेटर देन क्या होगा, वी आर, देन क्या होगा, बल्ब विल गेट क्या होगा, डैमेज। बल्ब क्या हो जाएगा, डैमेज। ये समझ में आया? वीबी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब, और वीआर क्या है, वोल्टेज रेटिंग ऑफ द बल्ब, ये दिया रहेगा। तो ये क्या है, ये लिख लेना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब, और वी आर, आर स्टैंड फॉर रेटिंग, और भी सिंपल क्या है, पोटेंशियल। तो ये क्या होगा, यदि ऐसा आ रहा है क्वेश्चन में, आप क्या करो, सभी के अक्रॉस क्या करो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, और देखो कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज रेटिंग से कम है तो क्या होगा, कभी डैमेज नहीं होगा। लेकिन यदि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज रेटिंग से ज्यादा हो रहा है तो बल्ब जो होगा वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो फॉर सेफ ऑपरेशन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस क्या होना चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस क्या होना चाहिए बल्ब, मस्ट बी लेस देन क्या होना चाहिए, इट्स वोल्टेज रेटिंग, ठीक है, आई मीन प्री डिटरमिंड और स्पेसिफाइड वैल्यू से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा जो है क्या है, पावर रेटिंग, पावर रेटिंग, इसको मैं लिख रहा हूं पी आर, ठीक है, जस्ट मैं, तो यहां से भी क्या है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन क्या होगा, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन दैट बल्ब कैन विथस्टैंड विथाउट गेटिंग डैमेज is called power rating. Power rating. ठीक है, तो और क्या होगा, यहां से दो चीजें होंगी, क्या होंगी कि पावर डिसिपेशन क्या होगा, यहां से देखो दो पॉइंट लिख रहा हूं नोट में कि if PD is less than क्या होगा PR, I mean if power dissipation is less than क्या होगा PR, then bulb will क्या होगा, will work properly, ठीक है, PD I mean power dissipation in the bulb is less than power rating, then क्या होगा, bulb will work properly, ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे, इफ पी डी इज ग्रेटर देन क्या होगा पी आर, देन क्या होगा, बल्ब विल क्या होगा, विल गेट डैमेज। समझ में आया ना, ये दो चीजें आपको क्या करनी है, माइंड में रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब देखो क्या है कि बल्ब जो होगा वो क्या होगा, बल्ब जब सीरीज में करें, अब क्या करना है आपको, जब भी बल्ब दिया रहेगा, आप देखो यहाँ ध्यान से कि यदि रेटिंग दिया हुआ होगा तो आप क्या करो, इफ द वोल्टेज एंड पावर रेटिंग इज गिवन, यहाँ क्या याद रखना है नोट में कि इफ वोल्टेज एंड क्या होगा, एंड पावर रेटिंग ऑफ बल्ब आर गिवन, देन जैसे ही आपको वोल्टेज और पावर रेटिंग दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको यूज करके आपको क्या करना है, रेसिस्टेंस निकाल लेना है। तो आर ऑफ द क्या होगा,
आई मीन रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, यहाँ आर वी मैं लिख देता हूँ, इज इक्वल टू क्या होगा, देखो क्या होता है, पावर मैक्सिमम पावर आई मीन पावर रेटिंग इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज रेटिंग स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आर, ही होगा ना आर वी, पी आर आई मीन पावर रेटिंग इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज रेटिंग स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज रेटिंग स्क्वायर अपॉन क्या होगा, पावर रेटिंग। तो जब भी क्या होगा, वोल्टेज और पावर रेटिंग दिया रहेगा, उसको यूज करके सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपको, बल्ब का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना। क्या करना, बल्ब का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना। ये हमेशा याद रखना है कि जब भी क्या करना है, कि जब भी पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है, उसको यूज करके आपको बल्ब का क्या करना है, रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या करना है, रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। जैसे ही रेसिस्टेंस आपको मालूम चल जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। फिर क्या करना है, बल्ब को आप रिप्लेस कर दोगे रेसिस्टेंस से, और फिर सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज करके आप। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान देना है कि यदि मोर देन वन बल्ब हो, क्या होगा, व्हेन एवर मोर देन वन बल्ब आर देयर एंड इफ पावर रेटिंग आर गिवन बट वोल्टेज रेटिंग आर नॉट गिवन, देन व्हाट वी डू, जो रेटिंग नहीं दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, सेम कंसीडर करना है। क्या करना है, सेम कंसीडर करना है। ये ध्यान देना है कि जब भी आप व्हेन व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, आपको ये चीज हमेशा माइंड में रखना है कि जो रेटिंग नहीं दिया हुआ है सभी बल्ब के लिए, उसको मुझे क्या करना है, सेम कंसीडर कर लेना है। क्या करना है, सेम कंसीडर कर लेना है, और जो दिया हुआ है देन इट्स ओके। ठीक है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हुआ, सेकंड पॉइंट क्या है कि इफ क्या होगा, मोर देन क्या होगा, वन बल्ब्स आर, मोर देन वन बल्ब आर बल्ब्स आर गिवन देन एंड क्या होगा, एंड पावर रेटिंग ऑफ एंड पावर रेटिंग ऑफ ऑल बल्ब्स आर क्या होगा, आर गिवन बट देयर वोल्टेज रेटिंग आर नॉट गिवन। समझ में आया क्या, कीप मोर देन वन बल्ब आर गिवन एंड पावर रेटिंग ऑफ ऑल बल्ब आर गिवन बट देयर वोल्टेज रेटिंग आर नॉट गिवन, देन क्या करना है, इन दिस केस वोल्टेज रेटिंग फॉर क्या होगा, फॉर ऑल बल्ब विल बी क्या होगा, विल बी सेम। समझ में आया ना, आई मीन यदि पावर रेटिंग सबका दिया हुआ है लेकिन वोल्टेज रेटिंग क्या है, अलग अलग है, तो आपको क्या करना है, जो रेटिंग नहीं दिया रहेगा उसको मुझे क्या करना है, सेम मान लेना है। तो इफ क्या होगा कि वोल्टेज रेटिंग ऑफ ऑल बल्ब्स आर गिवन बट देयर पावर रेटिंग्स आर नॉट गिवन, देन कंसीडर पावर रेटिंग सेम। क्या है, सबको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंसीडर करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ देखो क्या है, दो बल्ब है, एक बल्ब क्या है, इसका मान लो कि इसमें जो पावर इसका पावर रेटिंग क्या है, P1 है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, इसका पावर रेटिंग क्या है, P2। वोल्टेज रेटिंग नहीं दिया हुआ है ना, केवल क्या दिया है, पावर रेटिंग P1 एंड P2 है, ये क्या है, B1 है, और ये क्या है, B2 है। तो यहाँ क्या करोगे, जब पावर रेटिंग नहीं दिया हुआ है, सॉरी वोल्टेज रेटिंग नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, V1 V2 क्या है, वोल्टेज रेटिंग फॉर ऑफ बोथ द बल्ब्स है ना, दोनों बल्ब्स का क्या है, वोल्टेज रेटिंग है। सिमिलरली देखो थर्ड में क्या है, कि क्या होगा, इफ वोल्टेज रेटिंग
फॉर क्या होगा फॉर ऑल बल्ब्स आर गिवन बट देयर पावर रेटिंग पावर रेटिंग आर नॉट गिवन देन कंसीडर पावर रेटिंग सेम देन कंसीडर पावर रेटिंग फॉर क्या होगा फॉर ऑल बल्ब सेम ठीक है जैसे एक एग्जांपल देख लो कि ये दो बल्ब दिया हुआ है ना ये बी वन है और ये दूसरा क्या है बी टू इसका वोल्टेज रेटिंग बी वन है और इसका क्या है बी टू तो पावर रेटिंग आप क्या करोगे पावर देखो W से B डिनोट करते हैं और P से भी तो यहाँ क्या है P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू क्या मान लेंगे ये ध्यान देना है क्या करना है ध्यान देना है तो मैंने क्या बताया कि जब भी रेटिंग दिया हुआ होगा तो उस रेटिंग को यूज करके आपको क्या करना है रेसिस्टेंस बल्ब का कैलकुलेट कर लेना है और जो रेटिंग दिया रहेगा जो रेटिंग नहीं दिया हुआ है तो हम उस रेटिंग को क्या कंसिडर कर लेंगे सबके लिए सेम कर लेंगे और फिर हम क्या करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जैसे अब हम देखेंगे क्या अरेंजमेंट ऑफ बल्ब क्या होगा अरेंजमेंट ऑफ बल्ब अरेंजमेंट ऑफ बल्ब में क्या होगा कि दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं एक को हम क्या बोलते हैं सीरीज अरेंजमेंट और दूसरे को क्या बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट तो आपको मालूम भी है देखो ध्यान से तो हम क्या लिखेंगे अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन सिंपल लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा बल्ब ठीक है तो दो कॉम्बिनेशन हम कंसीडर करेंगे यहाँ मिक्स कि सीरीज कॉम्बिनेशन ठीक है और ये क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन अब क्या देखना है बस ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन सब हम पढ़ चुके हैं तो पहला जो हम पढ़ेंगे क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन अब देखो क्या होगा ध्यान देना कि यही क्या है देखो यहां मैं दो तीन बल्ब कंसीडर कर लेता हूं ठीक है B1 B2 B3 ठीक है क्या है B1 B2 B3 यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है करंट जो होगा वो क्या होगा देखो इधर बैटरी से भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ ध्यान देना तीन ही हमने कंसीडर किया है आई करंट फ्लो तो सबसे पहले क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब बल्ब क्या होगा सीरीज में कनेक्टेड होगा अब इसको हम क्या कर सकते हैं R1 R2 R3 से क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं तो देखो क्या होगा कि पहला क्या होगा कि करंट जो होगा वो क्या होगा सभी के लिए करंट क्या होगा पहला जो पॉइंट होगा कि करंट I इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट क्या हो जाएगा फॉर ऑल ठीक है अब करंट जो कांस्टेंट हो जाएगा पहला पॉइंट ये हुआ सीरीज में जब बल्ब कनेक्टेड होगा तो करंट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा दूसरा जो पॉइंट है कि वोल्टेज क्या होगा कि पावर डिसिपेशन देखो तो पावर डिसिपेशन PD इज इक्वल टू क्या होगा I² R यही होगा ना तो हम बोल सकते हैं I² R भी तो यहां से हम बोल सकते हैं देखो करंट सेम हो गया तो हम बोल सकते हैं कि पावर डिसिपेशन इन द बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेसिस्टेंस एंड व्हेन द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द लार्जर द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब मोर ब्राइटर इट विल ग्लो एंड वाइस वर्सा समझ में आया ना क्या समझ में आया बात आपको कि पावर डिसिपेशन जो होगा वो क्या होगा रेसिस्टेंस के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या होगा रेसिस्टेंस के क्या होगा बल्ब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये क्या होगा दिस इज नथिंग बट द रेसिस्टेंस
रेसिस्टेंस ऑफ द क्या होगा, ऑफ द बल्ब, और दिस इज नथिंग बट द पावर डिसिपेशन। ठीक है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि ब्राइटनेस, देखो ध्यान से, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पावर डिसिपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आरबी। तो यदि क्या होगा, सीरीज में बल्ब कनेक्टेड होंगे तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, रेसिस्टेंस के क्या होगा, ब्राइटनेस जो होगा वो क्या होगा, रेसिस्टेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई मीन लार्जर द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, मोर ब्राइटर इट विल ग्लो एंड वाइस वर्सा। ठीक है, क्या होगा, जितना ज्यादा क्या होगा बल्ब का रेसिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ब्राइटनेस होगा। अब एक और पॉइंट लिखते हैं रेटिंग के टर्म में, कीप द वोल्टेज एंड क्या होगा, पावर रेटिंग इज गिवन। देखो ध्यान से यहां क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा कि इफ अब देखो तो आरबी इज इक्वल टू क्या होगा, आरबी इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि वी आर स्क्वायर अपॉन क्या होगा पी आर, यही होगा ना, है ना, वी आर अपॉन क्या होगा, देखो ये क्या होगा, क्या होगा वोल्टेज रेटिंग, और ये क्या होगा पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग ऑफ द बल्ब, वोल्टेज रेटिंग एंड दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, पावर रेटिंग। ठीक है, और दिस इज रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, मैंने बताया था। अब यहां से मान लो कि वोल्टेज रेटिंग ऑफ ऑल जो बल्ब है वो क्या है, सेम है, क्या है, हम बोल सकते हैं नो, यहां लिखेंगे इफ क्या होगा, इफ वोल्टेज रेटिंग ऑफ ऑल बल्ब्स आर सेम। तो यहां दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको, वोल्टेज रेटिंग सेम हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि आरबी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पावर रेटिंग। तो हम बोल सकते हैं यहां से इफ द वोल्टेज रेटिंग ऑफ ऑल बल्ब्स आर सेम, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से, देखो ब्राइटनेस is directly proportional to क्या होगा PD, is directly proportional to क्या होगा RB, is directly proportional to क्या होगा 1 upon PR। I mean greater the power rating, smaller will be the brightness and vice versa। I mean whenever the bulbs of equal voltage rating are connected in series, then the bulb having larger power rating will glow less brighter and vice versa। देखो जितना पावर रेटिंग ज्यादा होगा उतना ही ब्राइटनेस क्या होगा, कम होगा। ग्रेटर द पावर रेटिंग स्मॉलर विल बी द ब्राइटनेस एंड वाइस वर्सा। एक कब, जब वोल्टेज रेटिंग क्या हो, सेम हो। अब वोल्टेज रेटिंग सेम होता है और सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ आता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको क्या है एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखो ध्यान से कि दो जो बल्ब है उनका पावर रेटिंग क्या है, सेम है। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और एक बल्ब ए है, इसका पावर रेटिंग क्या है P1, इसका क्या है P2। ठीक है, और ये सीरीज में कनेक्ट किए गए, क्या है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है ना, क्या किया गया है सीरीज में। अब देखो ये क्या है, वी वोल्ट हम मान लेते हैं, हमने यहां क्या माना कि इसका पावर रेटिंग और इसका पावर रेटिंग अलग है और वोल्टेज का जो रेटिंग है वो इक्वल टू क्या है, ये वेव ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी हमने मान लिया ऐसा केस। एक एग्जांपल है देखो इसी में, ये सेकंड पॉइंट भी है कि ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां देखो हमने मान लिया कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू हमने क्या मान लिया, तो पावर डिसिपेशन फाइंड क्या होगा, फाइंड पावर डिसिपेशन, डिसिपेशन इन द क्या होगा, इन द बल्ब। ठीक है, पावर डिसिपेशन इन द बल्ब,
अब देखो क्या है यहाँ से, क्या नहीं, यहाँ एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और फिर बाद में हम एक स्टेट का रिजल्ट भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो क्या है कि ये नहीं दिया हुआ है पावर रेटिंग, तो हमने क्या मान लिया, सॉरी वोल्टेज रेटिंग नहीं दिया हुआ है, तो हमने वोल्टेज रेटिंग क्या माना, सेम मान लिया, और माना कि जो वोल्टेज रेटिंग उतना है जितना क्या है ईएमएफ ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी है। अब देखो यदि मैं R1 लिखूं तो R1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, R1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, V1 square upon P1 इक्वल टू क्या होगा, V square upon P1। R2 क्या लिख सकते हैं, V square upon P2। अब बल्ब को कुछ नहीं करना है, सिंपल रेजिस्टेंस से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। देखो यहां दो रेजिस्टेंस हो गया, कुछ नहीं करना है, यही आई हुआ देखो, तो ये क्या होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन मुझे निकालना है, ये दिस इज R1, दिस इज क्या होगा R2, यहां से करंट क्या है I4, ठीक है, है ना। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन जब कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, सिंपल यहां I भी निकाल सकते हो कि भी अपॉन क्या हो जाएगा R1 प्लस क्या हो जाएगा R2, ठीक है, भी अपॉन क्या होगा R1 प्लस R2। अब आप यदि पावर कैलकुलेट करोगे तो देखो तो PD इक्वल टू क्या होगा, पावर डिसिपेशन, यहां लिख रहा हूं PD1 प्लस PD2, यही लिखेंगे ना यार, तो देखो तो PD इज इक्वल टू क्या होगा, देखो I, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखो V square upon क्या लिख सकते हैं R1 प्लस क्या लिख सकते हैं R2, सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करो, PD का वैल्यू रख दो यहाँ से PD का, सॉरी R1 R2 का वैल्यू रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, V square upon P1 प्लस V square upon क्या हो जाएगा P2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो PD इक्वल टू क्या होगा, P1 क्या हो जाएगा P2 अपॉन क्या हो जाएगा P1 प्लस P2। देखो ये बहुत अच्छा रिजल्ट, कभी कभी ये भी पूछ देगा इवन सॉल्व करोगे तो, कि क्या होगा इसका क्वेश्चन क्या, व्हेन टू बल्ब्स ऑफ डिफरेंट पावर रेटिंग बट सेम वोल्टेज रेटिंग आर कनेक्टेड थ्रू ए बैटरी हुज ईएमएफ इज इक्वल टू वोल्टेज रेटिंग ऑफ द बल्ब, देन द पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू क्या होगा P1 P2 अपॉन क्या होगा P1 प्लस P2। ये आपसे कभी कभी रिजल्ट पूछा जा सकता है P1 P2, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, देखो ध्यान से, तो ये फर्स्ट केस था कि जब क्या होगा वोल्टेज रेटिंग आपको नहीं दिया रहेगा, सीरीज में बल्ब कनेक्टेड और वोल्टेज रेटिंग नहीं दिया हुआ हो, तो हम वोल्टेज रेटिंग को क्या मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं, क्या मानते हैं हम, सेम मानते हैं। दूसरा क्या है, इफ द क्या होगा वोल्टेज रेटिंग इज क्या होगा गिवन, क्या होगा कि वोल्टेज रेटिंग ऑफ द बल्ब्स आर गिवन बट पावर रेटिंग इज नॉट गिवन। सेकंड क्या है, इफ वोल्टेज रेटिंग ऑफ द क्या होगा ऑफ द बल्ब्स आर क्या होगा गिवन बट पावर रेटिंग्स आर नॉट गिवन और पावर रेटिंग बट पावर रेटिंग ऐसे मान लेंगे, नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानते हैं, ऐसे पावर रेटिंग्स आर क्या होगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, देखो RB जो होगा, RB जो होगा वो क्या होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा VR, क्योंकि पावर रेटिंग क्या हो गया सेम हो गया, तब हम यहां लिख सकते हैं कि ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा PD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा RB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा VR। जितना ज्यादा किसी भी बल्ब का ब्राइट क्या होगा वोल्टेज रेटिंग होगा उतना ही क्या होगा ब्राइटनेस क्या होगा ज्यादा होगा, क्या होगा ब्राइटनेस उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि लार्जर द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द बल्ब मोर ब्राइटर इट विल ग्लो एंड वाइस वर्सा, क्यों, क्योंकि ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा VR² ऑफ द वोल्टेज रेटिंग। यदि जितना ज्यादा वोल्टेज रेटिंग होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा पावर डिसिपेशन होगा,
और जितना ज्यादा पावर डिसिपेशन होगा उतना ही बल्ब जो होगा ब्राइटर क्या होगा, ग्लो होगा। ये किस केस, किसका केस था, सीरीज कॉम्बिनेशन था। उसी तरह हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह हम देखेंगे कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द बल्ब क्या होगा, इन पैरेलल। अब दूसरा जो है क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ द क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखो दो बल्ब हम कंसीडर कर रहे हैं यहां, समझना है केवल। ए बी वन है और दिस इज नथिंग बट द क्या है, बी टू है और ए बी है। यहां से करंट कुछ आई फ्लो हो रहा होगा ऐसे। अब देखो क्या होगा कि इस केस में मुझे केवल ब्राइटनेस चेक करना है और डैमेज कौन होगा नहीं होगा ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि क्या करो, पावर और वोल्टेज कैलकुलेट कर लो। यदि वोल्टेज रेटिंग से क्या होगा, पावर रेटिंग से कम होगा तो डैमेज नहीं होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अब क्या है यहां, अब देखो यहां से क्या दिया हुआ है, यहां जो पावर डिसिपेशन जो होगा, आई मीन बोल सकते हैं कि पीडी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं यहां ये पावर के लिए, ठीक है। तो यहां हम बोल सकते हैं कि पावर, आई मीन क्या होगा, पावर डिसिपेशन पीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, क्या होगा, पावर डिसिपेशन विल बी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ग्रेटर द क्या होगा, रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, यहां आर बी लिख लो, है ना, आर बी। ग्रेटर द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब क्या होगा, व्हेन द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्या होगा, व्हेन व्हेन बल्ब्स आर क्या होगा, आर कनेक्टेड कनेक्टेड इन पैरेलल पैरेलल, देन क्या होगा, देन वी आर, वी जो होगा क्या होगा, आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस, वी भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि पावर डिसिपेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, और यहां से ये भी बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, देखो तो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा। यहां से हम बोल सकते हैं कि पावर रेटिंग अपॉन क्या होगा, वोल्टेज रेटिंग स्क्वायर, ऐसे ही बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या। अरे आरबी यहां से आरबी वी स्क्वायर अपॉन यही आता है ना यार, वी स्क्वायर अपॉन पी, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां आपसे पूछा जाएगा क्या कि ब्राइटनेस जो होगा वो क्या होगा, पावर डिसिपेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, ब्राइटनेस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या हो जाएगा, पावर डिसिपेशन जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ब्राइटनेस जो होगा वो क्या होगा, बल्ब का ज्यादा होगा। तो व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड, एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, देखो क्या है, व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड तो देखो क्या होगा, ब्राइटनेस ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, PD is directly inversely proportional to क्या होगा, RB is power rating upon voltage rating। ये केवल ध्यान देना, ठीक है, हाँ ये क्या है, ध्यान देना है, है ना। तो ये आपको माइंड में रखना है कि ब्राइटनेस जब भी चेक करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे, पावर डिसिपेशन से चेक करते हैं। जितना ज्यादा किसी भी बल्ब का क्या होगा, किसी भी बल्ब का पावर क्या होगा, जितना ज्यादा क्या होगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा बल्ब में उतना ही क्या होगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद हम इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, दूसरा कुछ नहीं इसमें करना है, बस यही आपको ध्यान में रखना है। एक पॉइंट और है जो एक न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, मान लो कि क्या है, दो जो बल्ब हैं, है ना, व्हेन टू बल्ब्स, देखो क्वेश्चंस क्या है, When, क्या होगा, when two bulbs of power rating 25 watt and क्या होगा 100 watt
ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन विच बल्ब, देन विच वन विल ग्लो, क्या होगा, ग्लो ब्राइटर, देन विच वन विल ग्लो ब्राइटर, है ना। ये दो बल्ब दिया हुआ है, देखो यहाँ ध्यान से, दो व्हेन टू बल्ब्स ऑफ पावर रेटिंग 225 वाट एंड 100 वाट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन विच वन विल ग्लो ब्राइटर, क्या होगा, विच वन विल ग्रो ब्राइटर। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो बल्ब है जिनका पावर रेटिंग दिया हुआ है, लेकिन वोल्टेज रेटिंग क्या है, सेम नहीं दिया हुआ है, वोल्टेज रेटिंग दिया ही नहीं है। तो जब वोल्टेज रेटिंग नहीं दिया हुआ, तो मैंने क्या बताया था कि हम क्या करेंगे कि जो वोल्टेज रेटिंग यदि नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मान लेंगे, इक्वल मान लेंगे। तो हम ये कंसीडर कर लेंगे कि वोल्टेज रेटिंग ऑफ बोथ द बल्ब्स आर सेम एंड इट इज इक्वल टू वी। तो हमने क्या माना यहां सॉल्यूशन में कि वोल्टेज रेटिंग ऑफ बोथ बल्ब्स आर क्या होगा, आर सेम, बोथ द बल्ब्स आर सेम, ठीक है। तो यहां से अब देखो क्या है, हम क्या जानते हैं कि ब्राइटनेस जो होगा वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा, पावर डिसिपेशन पे डिपेंड करेगा। और सीरीज में जब पावर डिसिपेशन, हमने देखा था कि सीरीज में पावर डिसिपेशन जो होता है बल्ब के रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि पावर डिसिपेशन के तीन फॉर्मूले होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन क्या कॉन्स्टेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ हमने जब वोल्टेज रेटिंग सेम मान लिया, तो हमने यहाँ लिख दिया कि वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू वी मान लिया, तो देखो तो यहाँ आर R1 इक्वल टू क्या होगा, P1 स्क्वायर, आई मीन क्या होगा, R1 अपॉन क्या होगा, R2, क्या होगा, R1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो V1 स्क्वायर अपॉन P1, एंड R2 इक्वल टू क्या होगा, V2 स्क्वायर अपॉन क्या होगा, P2। तो यदि देखो तो यहां हमने लिखा R25, मैं लिख रहा हूं R25 अपॉन R 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P 100 अपॉन क्या होगा, P 25, यही होगा ना यार, आई मीन पावर ऑफ 100 वाट डिवाइडेड बाई क्या होगा, पावर ऑफ 20 वाट। तो देखो तो यहाँ P 100 क्या है, देखो यहाँ वैल्यू रख दो, तो आप देख सकते हो 100 अपॉन क्या होगा 25, आई मीन क्या हो जाएगा 4। तो हम बोल सकते हैं कि R 25 इक्वल टू क्या होगा, 4 टाइम R 100, आई मीन बल्ब ऑफ 25 वाट का जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 100 वाट बल्ब से क्या होगा, 4 टाइम्स ज्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, क्या होता है, करंट सेम होता है। जैसे देखो यही है ना, ये क्या है 25 वाट का है और ये क्या है 100 वाट का है, ठीक है, क्या होगा 100 वाट का है। तो यहां सीरीज में क्या होता है यार, करंट क्या होता है, सेम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ब्राइटनेस brightness is directly proportional to क्या होगा, PD is directly proportional to क्या होगा, RB। अब देखो किसका resistance ज़्यादा है यार, 25 watt bulb का जो resistance क्या है, ज़्यादा है, तो इसमें जो power dissipation होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका brightness क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि brightness of, देख रहे हो ना यार, इसमें कौन सा ज़्यादा है यार, किसमें power dissipation ज़्यादा है, I mean हम लिख सकते हैं power dissipation इन क्या होगा 25 वॉट, क्या होगा पावर डिसिपेशन इन 25, आई मीन 25 वॉट इज ग्रेटर देन क्या होगा पावर डिसिपेशन इन क्या होगा 100 वॉट, हेंस क्या होगा, हेंस क्या होगा 25 वॉट बल्ब, क्या होगा बल्ब ऑफ आई मीन 25, ऐसे लिख दो 25 वॉट बल्ब विल क्या होगा, विल ग्लो ब्राइटर, ठीक है, क्या होगा 25 वॉट बल्ब जो होगा वो क्या होगा ब्राइटर, क्या होगा ग्लो होगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। एक दो और न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल और मैं बता रहा हूँ कि आपको चेक करना है कि कौन सा बल्ब जो होगा वो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन, एक मिनट मैं देखता हूँ फिर बताता हूँ आपको, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा देख लेने दो क्वेश्चंस।
एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, है ना, इस पे तो हाँ कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा है यहाँ, है ना। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है ये, अच्छा है ना। देखो यहाँ ध्यान से क्या दिया, बस ये आप खुद से भी ट्राई कर लेना, है ना। मैं केवल क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप खुद से ट्राई कर लेना। इफ टू बल्ब्स, देखो क्या है, इफ क्या होगा, इफ टू बल्ब्स ऑफ, क्या होगा, इफ टू बल्ब्स ऑफ 25 वॉट एंड क्या है 100 वॉट अरे यार किधर गया, किधर चला गया, रुक जा यार, ये कहाँ चला गया, रेटेड एट क्या है 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 440 वोल्ट सप्लाई। Will both bulb fuse? Will both bulb fuse? Or if not, which one? देखो मैं क्वेश्चन ये समझ में आया क्या कि दो बल्ब जो दिया हुआ है उसका क्या है पावर रेटिंग, आप आई मीन पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग भी क्या है दिया हुआ है, या वोल्टेज रेटिंग क्या है सेम दिया हुआ है, तो क्वेश्चन यही हो जाएगा। देखो यहाँ से अब आप क्या करो, इस पावर और वोल्टेज रेटिंग को यूज करके आप रेजिस्टेंस दोनों का कैलकुलेट कर लो, और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके पावर डिसिपेशन निकाल लो, और देखो कि पावर डिसिपेशन या वोल्टेज ड्रॉप किस बल्ब के क्रॉस क्या है उसके रेटिंग से ज़्यादा आ रहा है। यदि ज्यादा आ रहा है तो बल्ब जो होगा वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और यदि दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप और पावर डिसिपेशन रेटेड वैल्यू से कम आ रहा है तो जो बल्ब होगा वो क्या होगा, दोनों बल्ब फ्यूज नहीं होगा। तो क्वेश्चन ऐसे है, जस्ट मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना। देखो एक बल्ब ए है, दूसरा ए है, इसका वोल्टेज रेटिंग कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, और पावर कितना दिया हुआ है 25 वाट, इसका भी क्या है 220 वोल्ट, और पावर जो दिया हुआ है क्या है 100 वाट। इसको एक क्या है एक्सटर्नल पावर सप्लाई से क्या किया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है ना, क्या है कनेक्ट कर दिया गया है, जिसका वैल्यू जो क्या है 400 वोल्ट है। आपको बताना है कि इसमें से दोनों बल्ब में से कौन फ्यूज होगा, तो होमवर्क है, आप क्या करना खुद से इसको ट्राई करना, और नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम ये शुरू करेंगे क्या, मैग्नेटिज्म। तो आपको जो भी डाउट हो वो मंडे तक आप क्लियर कर सकते हो, और यदि डाउट नहीं होगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो डाउट नहीं होना भी एक आर्ट है, डाउट होना तो सबसे बुरी बात है, क्योंकि डाउट होगा तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, और जो कि नहीं होना चाहिए, समझ में आएगा तो फिर आप कैसे एग्जाम क्लियर करोगे, है ना। समझ में नहीं आएगा तभी तो आप एग्जाम में क्या करोगे, अच्छा स्कोर करोगे। तो आई थिंक बस एक क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पॉइंट था जो आज खत्म हुआ, और अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए, होप आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और एक भी डाउट नहीं भेजेंगे, ऑल द बेस्ट।